हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप लोग को यह जानना होगा कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो लिविंग मीन्स क्या होता है? सजीव। और नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है? निर्जीव, है ना। तो लिविंग का मतलब ही होता है ऐसे जीव जिनमें क्या होती है? जान होती है। जो क्या क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान कैसे है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, तो उसके लिए हमें उसकी कुछ विशेषताओं पे ध्यान देना होता है। अगर हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि यह सजीव है या फिर निर्जीव है। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखेंगे कि इसके लिविंग थिंग्स के फीचर्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? ग्रो। तो ग्रो यानी ग्रोथ, हमारा विकास, है ना। तो जितने भी सजीव हैं उन सभी के शरीर का क्या होता है? विकास होता है। तो विकास होता है, लेकिन उसका भी क्या है? एक लिमिट होता है कि यह जीव जो है इतने साल तक बढ़ेगा, इतने दिनों तक बढ़ेगा, और इसके बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है। तो जैसे कि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा छोटे थे, फिर धीरे धीरे आपकी लंबाई बढ़ रही है ना, आपके हाथ का साइज़ बढ़ रहा है, पैर का साइज़ बढ़ रहा है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आप में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। फिर जब आप अपने आसपास देखोगे तो देखते हो आप कि कुत्ता का भी बच्चा होता है, वो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे 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 भी वो क्या बन जाता है? फिर डॉग बन जाता है। इसी तरह से हम जितने भी जीव जंतु हैं वो सब में हम देखते हैं कि उनका विकास होता है। लेकिन क्या आप कभी ये देखे हो कि कोई कुत्ता या आदमी जीवन भर बढ़ता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एकमात्र इसमें अपवाद क्या है? प्लांट है। आप प्लांट को देखोगे, अगर आप उसकी टहनी को काट देते हो तब भी आप देखते हो कि वह जब तक जीवित रहता है तब तक उसका ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, तो ये इसका फीचर्स है। नेक्स्ट है ब्रेथ। अब दूसरा पहचानने का तरीका है कि हम यह देखकर पहचान सकते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स है वह क्या करता है? ब्रेथ करता है, यानी सांस लेता है। जैसे हम और आप लोग सब क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं, तभी हम लोग जीवित हैं। तो ब्रेथ में हम लोग क्या करते हैं? सांस जो लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? लंग्स होता है, जिससे कि फेफड़ा से हम सांस लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? दो तरह का गैस है जिसे सभी जीव जंतु सांस में लेते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं? सभी ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। और ठीक प्लांट भी क्या है? हम लोगों के ही जैसा वह भी क्या है? लिविंग थिंग है। लेकिन हम लोग जिसे छोड़ते हैं, जिस गैस को हम लोग सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, पौधा उसको सांस के रूप में अपने अंदर लेता है। तो हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, है ना। और पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग उस ऑक्सीजन को लेते हैं। समझ गए? तो ये दो चीज हम देखें। अब नेक्स्ट है मुंह। तो हम देखते हैं जितना भी जीवित जीव होता है, जीवित प्राणी होता है, वो सब में मूवमेंट होता है। यानी या तो वो रेंगता है, दौड़ता है, चलता है, है ना, किसी उड़ता है, तैरता है, किसी न किसी तरह का उसमें मूवमेंट जरूर होता है। लेकिन क्या कभी आप लोग देखे हो कि बेंच और डेस्क जो है वह खुद जो है चलने लग गया? नहीं, उसके लिए मैन पावर की जरूरत होती है उसे चलाने के लिए। लेकिन क्या हमको और आपको चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है? नहीं होती है, हम लोग खुद से चल सकते हैं। तो और हम लोगों को मूवमेंट करना होता है क्योंकि इसके बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता है। कोई भी जीव जो है एक जगह से दूसरे जगह आता जाता रहता है। क्यों? अपने भोजन की तलाश में, अपने आवास की तलाश में वह इधर उधर जाता आता रहता है, है ना। आप लोग भी किसी न किसी काम से मूव करते हो, है ना। लेकिन प्लांट एक ऐसा जीव है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, है ना। वह हम लोगों के जैसा चलता नहीं है, वह हम लोगों के जैसा दौड़ता नहीं है, या बाकी जीवों के जैसा रेंगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे उसको सारी फैसिलिटी मिली हुई है। वह क्या करता है? मिट्टी से जो है क्या लेता है? मिनरल्स लेता है।
ऊपर से उसे वाटर भी मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ के द्वारा खाना बनाता है और उसी खाना से जो है उसका जो बॉडी जो होता है वह विकास करता है और वह जीवित रहता है। तो फिर उसे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या हम लोग अगर इधर उधर नहीं जाएंगे तो क्या हम लोगों को मिल जाएगा कोई भी चीज़? नहीं, हम लोगों के साथ ऐसी सुविधाएं नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव जंतु को मूव करना पड़ता है। वो जब तक जीवित रहता है तब तक वो मूवमेंट में रहता है ना। रेंगने वाला जो जीव है, जैसे छोटा छोटा जो रेंगने वाला जीव होता है, जैसे अर्थवर्म है, स्नेक है, ये सब क्या करता है, जमीन पर रेंगता है, क्रैब है, ये सब रेंगता है ना। कुछ जीव उड़ते हैं। अब वही मंकी वगैरह को आप देखोगे तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक मकान से दूसरे मकान पे जंप मारता है। तो सबका मूवमेंट क्या है, अलग अलग तरह का है, लेकिन मूवमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोड्यूस। एक यह भी इसका फीचर्स है कि जितने भी सजीव हैं वो सब जो है क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, यानी अपने ही जैसे एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, एक नए संतान को जन्म देते हैं। आप देखते हो कि मछली जो है वो अभी अंडा देती है और उस अंडा से मछली के ही जैसा फिर और भी मछली के बच्चे जो है वो आते हैं, निकल जाते हैं और नज़र आते हैं। सांप का बच्चा सांप के जैसा होता है, आदमी का बच्चा आदमी के जैसा होता है ना। जो जीव जैसा है उसका बच्चा भी उसी तरह का देखने में लगता है ना। तो इसी को हम लोग, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में भी दो चीज़ है। रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है, यानी वैसे जीव जो अंडा देने वाले जीव हैं और दूसरे में वैसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो दो चीज़ है, जो अंडा देता है वो बच्चा नहीं देता है, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो अंडा नहीं देते हैं, है ना। तो दो भाग में इसको बांटा गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने जीवन काल में रिप्रोडक्शन करता है जिससे कि उसकी प्रजाति आगे बढ़ती है ना। अब जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, है ना, तो मनुष्य की प्रजाति आगे बढ़ी, है ना, आपकी पीढ़ी आगे बढ़ी, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। इस तरह से क्या होता है, जनरेशन बाई जनरेशन यह चीज़ चलता रहता है, ठीक है, जिससे कि धरती पर यह जाति जो है वह परमानेंटली जो है वह रह पाए, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फूड। अब स्वाभाविक है कि जितने भी सजीव हैं उन्हें भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। आप लोग को भी भूख प्यास लगती है, जितने भी जानवर हैं उन सबको भी भूख प्यास लगता है। तो सभी को भोजन की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है। अगर जीवित जीव जो हैं, सजीव जो हैं, उन्हें भोजन पानी नहीं दिया जाए तो वो जीवित ही रह सकते हैं। तो हम लोगों का जितना भी काम जो होता है, हम लोग जितने भी काम को करते हैं, उन सारे काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमारे शरीर के अंदर भी जितना भी तरह का काम होता है, फंक्शन होता है, जितने भी तरह के ऑर्गेन हैं वो सब वर्क करते हैं, तो वो सब के वर्क करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो इसी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं। तो हम लोगों को भोजन की ज़रूरत होती है, या सभी जीव जंतु को होती है। नेक्स्ट है फील चेंज, यानी हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास में किस तरह का बदलाव हो रहा है। अब किस तरह का बदलाव हो रहा है, जैसे कि आप अचानक से बैठे हुए हो, अचानक से आपको किसी के रोने की आवाज़ आई, तो आप ये महसूस करोगे ना कि हाँ कोई व्यक्ति रो रहा है। या फिर आप देखोगे कोई भी चीज़, मान लो कोई कष्ट में है, कोई बहुत खुश है ना, तो ये सारे चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। ठंडी हवा चल रही है उसे भी हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ होती है, जो भी बदलाव जो होता है, उन सभी को सारे सजीवों में महसूस करने की क्षमता होती है। जैसे कि मान लो कोई कुत्ता सोया हुआ है और वहाँ से आप पास करो, आपके जूते की आवाज़ सुनकर ही वह उठ जाता है। तो वो उठ जो जाता है, यह क्यों उठ जाता है, क्योंकि उसे समझ में आया, वह महसूस किया कि यहाँ कोई पास कर रहा है, कोई जा रहा है। तो इस तरह की जो भी चीज़ जो है, जिस तरह का भी बदलाव आता है, उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं।
अब है फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे, अभी तक तो हम सजीव के बारे में जाने कि हम कैसे पहचानेंगे उसका क्या क्या फीचर्स है जिससे कि हम पहचान पाएंगे कि यह सजीव है। दूसरा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह निर्जीव है। आज तो आप देखते हो फैन जो है वह बिजली से चल रहा है, उसको मैन पावर से तो वो चल नहीं रहा है, तो वह अभी तो खुद व खुद चल रहा है। लेकिन नहीं, खुद व खुद तो वो जरूर चल रहा है, लेकिन मेरे बटन दबाने के बाद चल रहा है ना, तो वो खुद नहीं चल सकता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। डू नॉट ग्रो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी निर्जीव जो होता है उसका विकास नहीं होता है। अब आप देखे हो घर में कि कोई भी टेबल है, चेयर है, या आपका बेड है, क्या वो धीरे धीरे जो है बड़ा हो गया? ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी निर्जीव चीज़ का ग्रोथ नहीं होता है, जहाँ तक होता है वो धीरे 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 जो है वो टूट जाता है ना, और बाद में जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है ना, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं होता है। ऐसा है कि आप टेबल का जो है एक पैर काट दोगे तो उसका फिर से जो है बढ़ जाएगा पेड़ के जैसा? नहीं। नेक्स्ट है डू नॉट ब्रेथ, यानी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब सांस नहीं लेते हैं। आप जा कर के देखना किसी दरवाजे के पास, खिड़की के पास, क्या आपको छूने पे महसूस होता है कि वो सांस ले रहा है, उसमें सांस है? नहीं है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सांस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है उनमें मूवमेंट नहीं होता है, वो ना तो रेंग सकते हैं, ना ही चल सकते हैं, और ना ही उड़ सकते हैं, और ना ही तैर सकते हैं, ना ही फुदक सकते हैं, ठीक है। तो उनमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता, उसको जहाँ छोड़ दोगे, जैसे छोड़ दोगे वैसे ही वो पड़ा रहेगा। जबकि जब तक कि आप मूवमेंट नहीं करवाओगे उसमें मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है डू नॉट नीड फूड, जितने भी निर्जीव हैं उन किसी भी निर्जीव को, निर्जीव वस्तु को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसे भोजन की आवश्यकता क्यों होगी? उसे कभी नहीं होगी, उसको कोई वर्क नहीं करना है तो उसे एनर्जी की जरूरत नहीं है। जब एनर्जी की जरूरत नहीं है उसे काम को करने के लिए, तो फिर उसे भोजन की आवश्यकता क्यों होगी? तो यहाँ आप एक क्वेश्चन हमसे राइज कर सकते हो कि ऑटो चलता है या कोई भी व्हीकल चलता है, तो पिछले क्लास में भी हम बताए थे उसे भी एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आता है? तो जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन से एनर्जी मिलती है, ठीक उसी तरह जितना भी गाड़ी चलता है वो सब में पेट्रोल भरा जाता है या डीजल भरा जाता है ना, वो जलता है और उससे जो है उसे एनर्जी मिलती है और वो चलता है। लेकिन वो क्या है? नॉन लिविंग है, वो खुद से नहीं खा सकता है ना। वह मैन पावर के द्वारा ठीक है नहीं चल रहा है, लेकिन मैन के ही वजह से चल रहा है। क्या वो अपने आप कहीं चला जाएगा, कहीं से चलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे डू नॉट फील एनी चेंज। आप जैसे देखें लिविंग थिंग्स में कि हमारे आसपास में कोई भी बदलाव आता है तो हमको महसूस होता है ना। कोई ताली बजा दिया तो हमको समझ में आ गया कोई ताली बजा रहा है ना। कुत्ता भौंक रहा है हमें वह भी समझ में आ गया, कोई चिल्ला रहा है वह भी समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो है, आप उसके ऊपर अपना सर भी पटकते रहोगे उसको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आप दीवार पे हाथ ठोकते हो, क्या कभी देखे हो दीवार को रोते हुए? हाँ, कितना भी मारो तो किसी भी तरह का कोई फीलिंग उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है।